असला मेरे को उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स हैरियत से होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज की मैं आपके साथ नाइन्थ क्लास की फाइनल डेट शीट शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि 2024 के इम्तहान की, जो कि आज लाहौर बोर्ड ने जारी कर दी है। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको आज की मिलेंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब पहले लाजमी कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिलता रहे। तो इससे पहले जो मैं आपके साथ ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है डेट शीट का वो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, तो अगर वो किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो जाकर लाजमी देख ले। आज की में बेसिकली मैं जो है मेजोरिटी स्टूडेंट्स के जो उनसे पेपर होते हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा कि वो पेपर कब हैं और कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नाइन्थ क्लास की डेट शीट को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट पेपर जो है आपका वो होगा 20 मार्च को और फर्स्ट पेपर जो है आपका इंग्लिश का है। इसके बाद सिर्फ एक दिन के गैप से आपके पास बायो कंप्यूटर का पेपर है। तो आपने क्या करना है कि कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और पहले कर ले तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि सिर्फ एक दिन का गैप है। इसके बाद आपके पास केमिस्ट्री जनरल साइंस के अंदर गैप है, यहाँ पर 22 से 25 आपके पास मार्च है, ठीक है, यानी कि तकरीबन 2 छुट्टियां आपके पास इसके अंदर कंसिडर होती है। और इसके बाद एक दिन के गैप से आपके पास जो सा फिजिक्स का पेपर है और उसके बाद जो सा है आपके पास 28 को 28 मार्च को आपके पास तर्जुमा कुरान का पेपर है और उसके बाद आपके पास 30 मार्च को इस्लामियत कंपलसरी का पेपर है। उसके बाद आपके पास जो है 1 अप्रैल को आपके पास मैथ का पेपर है जिसके अंदर सिर्फ एक छुट्टी है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास 3 अप्रैल को आपके पास उर्दू का पेपर है और इसके बाद एक छुट्टी के गैप से आपके पास पार्क स्टडी का पेपर है 5 अप्रैल को और आपका ये लास्ट पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने तैयारी जिन सब्जेक्ट्स की पहले से कर लेनी है बहुत अच्छे से तैयारी कर लें क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक दिन का गैप है और एक दिन के अंदर तैयार करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा चैप्टर्स हैं मैथ के अंदर। तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आपके साथ जो है पेरिंग स्कीम वगैरह शेयर कर चुका हूँ, फार्मूला बता चुका हूँ कि आपने कैसे तैयारी करनी है और कैसे आप कम वक्त में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो उन फार्मूलाज को आप अडॉप्ट करके मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। और आपने जो है मैथ की तैयारी पहले से करके रखनी है, ठीक है, और इसके अलावा फिजिक्स की तैयारी पहले से करें और इसके अलावा बायो कंप्यूटर की तैयारी भी पहले से करके रखें जिनमें एक छुट्टी है। और ये साइंस सब्जेक्ट्स में ज्यादा जरूरी है कि आप इनकी तैयारी पहले से करके रखें, इवन की केमिस्ट्री की भी तैयारी आप पहले से करके रखें। बाकी सब्जेक्ट्स का ये कि आपने बहुत अच्छे से तैयार किए होते हैं और इनको आखिर पे आप जो सा रिवाइज करते हैं और आपको जो सा इतने ज्यादा डिफिकल्टी पेश नहीं आती जितनी ज्यादा साइंस सब्जेक्ट्स के अंदर आती है हमारे पास। तो ये थी नाइन्थ क्लास की डेट शीट और इसके मुताबिक ही आपके एग्जाम्स होंगे। और तमाम के तमाम स्टूडेंट जो कि नाइन्थ क्लास के एग्जाम इस साल देने जा रहे हैं और इनका ये फर्स्ट बोर्ड एग्जाम और फर्स्ट एक्सपीरियंस है नाइन्थ क्लास के अंदर, जिसके बाद जो है वो अब अपनी लाइफ के अंदर बोर्ड एग्जाम्स को देते रहेंगे और उनका जो सा अगली जिंदगी ऐसी कंटिन्यू रहेगी। तो बेस्ट विशेज है तमाम नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, अल्लाह पाक तमाम स्टूडेंट्स को कामयाब करे। तो वीडियो पसंद है तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।